सरयू तट और राम नाम का रट, ये जगह अपने आप में श्री राम नगरी के लिए मशहूर है। और ये जगह के बारे में बताने से अच्छा है यहाँ के युवाओं के साथ जुड़े और उनसे जाने कि उनके दिल में अयोध्या कितना वास कर रहा है, श्री राम का नाम जो है उनके अंदर कितना रमा हुआ है। इसी को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त सरयू तट पर है और यहाँ तमाम युवा साथी है। अब मैं आने के साथ यहाँ देखा था कि युवाओं के अंदर जो राम प्रभु श्री राम का जो नाम है उसको लेकर के कितना आस्था है, अध्यात्म से जुड़े हुए ये युवा साथी है, यहाँ पर तमाम युवा साथी है। मैं इनसे जानना चाहूंगा श्री राम को लेकर आप लोग कितने तैयारी कर रहे हैं, दीपोत्सव के लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? अरे कल रात से यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दिया लगा रहे हैं। कल 22,000 दिए लग गए थे, 50,000 दिए हम लोग के घाट पे, घाट नंबर 10 पे आज लग गए हैं। लगभग 1,00,000 दिए पूरे हो चुके हैं। कल यहाँ पे बाती लगेंगी, फिर तेल जलेगा, उसमें दिया कल जल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद श्री रामचंद्र को लेकर के आप क्या कहिएगा भाई? श्री रामचंद्र के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी है वो हमारे भगवान श्री राम ही हैं और हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बस कुछ ही समय, अगले दिन ही हम लोग दीपक जलाने के लिए तैयार हैं। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के अलावा पिछले साल दीपोत्सव जो हुआ था और इस बार दीपोत्सव जो हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? तो पिछले साल को कम दीयों का उद्घाटन किया गया था, इस बार और ज्यादा दीयों का उपयोग किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। 15 लाख के आसपास में था, इस बार 21 लाख से ज्यादा दिए जलाए। इस बार 24.5 लाख दिए लगाए जा चुके हैं, उनमें से 21.5 लाख का टारगेट रहा है, लेकिन हम लोग 24 लाख दिए लगा चुके हैं। ये जो श्री रामचंद्र को लेकर दीपोत्सव की जो तैयारी चल रही है, आपने सुना 21 लाख से ज्यादा दिए बिछा दिए गए, 24 लाख के करीबन दिए बिछा दिए गए हैं और 21 लाख का टारगेट रखा गया है दिया जलाने का। यहाँ और भी हमारे साथी युवा साथी हैं, क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार सिंह। क्या कहिएगा दीपोत्सव को लेकर के, क्या कहिएगा प्रभु श्री राम को लेकर के आप? प्रभु श्री राम सबके राजा हैं, वो तो ब्रह्मांड के और सारे देश के वो महाराज हैं। और दिल में श्री राम कितना वास करते हैं ये बताइए? श्री राम को दिल में नहीं पूछे, बहुत वास करते हैं। अयोध्या नगरी ही श्री राम के नाम पर ही है और अयोध्या का जो उत्सव है वो है। राम को तो पूरी दुनिया आज जान रही है, पूरी दुनिया पूज रही है, लेकिन अयोध्या अपने आप में खास हो जाता है। अयोध्या श्री राम के नाम से। आप प्रॉपर अयोध्या से ही हो? नहीं, हम लोग तो बनारस से है, मतलब स्टूडेंट से, हम लोग यहाँ के निवासी नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट से, पढ़ने वाले हैं, बनारस से हैं, अयोध्या में और श्री राम के तराने गा रहे हैं। भाई साहब आप श्री राम के लिए क्या कहिएगा? श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी साधना में जो और जो लीन हो गया वो तो रम गया है, तो अब हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, उन्हीं के सब भी देन है और सब कुछ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, कल भी होगा, कल तो दिए भी जलाए जाएंगे, तो अभी हम लोग तैयारियां चालू हैं, अभी कुछ बाकी हैं दिए रखना, कुछ रख गए हैं और कल तक पूरी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, कल दिए जलेंगे तो और भी अच्छा आनंद आएगा। आस्था, अध्यात्म और राजनीति, तीनों का केंद्र इस वक्त अयोध्या बन चुका है, इन तीनों संदर्भ में आप युवा होने के नाते क्या कहिए? यही है कि कुछ कहते हैं ना कि जहाँ श्री राम ने कदम रखे वहाँ सब अच्छा हो गया, तो वही अभी तो ये अयोध्या नगरी है और श्री राम तो जन्म लिए यहाँ पे, तो ये अयोध्या में तो सारा केंद्र तो बना ही हुआ है, पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल हो या फिर कोई भी चीज हो, सारा केंद्र तो बना हुआ है। बिल्कुल केंद्र बना हुआ है अयोध्या, इस वक्त अयोध्या की बात बिल्कुल निराली हो चुकी है, यहाँ जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ नजर आ सकते हैं आपको। और वही बात करें इस वक्त यहाँ का मंजर का, एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आप सरयू नदी का दीदार कराइए, ये वही पावन धारा है जो राम के रस से शायद पूरी तरह से लबालब है और राम रस बह रहा हो जैसे सरयू तट पर। और वही बात करें यहाँ की युवा साथियों, एक बहन भी है, इनसे पूछेंगे श्री रामचंद्र को लेकर के आप क्या कहिएगा, दीपोत्सव को लेकर के आप क्या कहिएगा? मैं क्या कहूँ, दीपोत्सव तो एक जान लो हम लोग के लिए, क्योंकि हम अयोध्या नगरी के ही हैं, तो हम लोग के लिए तो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक अयोध्या का नाम कोई जानता नहीं था, वहाँ 3-4-5 सालों में सब इतने दूर दूर तक पूरा भारत इंडिया जा रहा है और यहाँ सरयू घाटों का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब जगह दर्शन कर लो लेकिन यहाँ अयोध्या का दर्शन न करो तो कुछ मजा ही नहीं है, क्योंकि एक सुकून का, एक नदी के पास बैठ कर सुकून मिलता है, नदी के पास बैठ करके सुकून मिलता है, राम रस का आनंद लेते हैं, वही ये वर्तमान देश के युवा हैं जो अभी भी राम रस से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर भी आस्था का वो जुनून जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, यहाँ दूर दूर तक आपको युवा साथी नजर आएंगे, इनसे हम बात करेंगे, इनकी दिल की बात को जानेंगे। आप क्या कहिएगा इस दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के और श्री रामचंद्र का अभिनंदन को लेकर के, श्री रामचंद्र को स्वागत को लेकर? यस सर, यहाँ पे हम लोग मतलब पिछले 3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा ही फील होता है, हम लोग मतलब पूरा दिया लगा चुके हैं, इसलिए मतलब यहाँ फिर घूमने निकलते हैं। 21 लाख का टारगेट बनाए हैं सर लोग यहाँ पे, हम लोग सोचे हैं इस बार 21 नहीं 23-24 लाख जलाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से लगे हुए वहाँ, कार्यकर्ता वॉलंटियर लगे हुए, उनका कहना है कि 24 लाख से ज्यादा दिए बिछाए जा चुके हैं, 21 लाख जलाने के टारगेट हैं, अभी भी बिछाए जा रहे हैं, हमारे घाट पे अभी थोड़ा घाट फैलाया गया, अभी भी उस पे क्या बोलते हैं दिए लगाए जा रहे हैं, दिए फिर से आए हुए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं इस बार 25-25 तो पारी कर जाए, 24-25 लाख।
अच्छा एक चीज और, युवाओं के बीच में क्या ऐसा है, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम, तो एक बार हो जाए जय श्री राम जय श्री राम, तो एक बार सारे युवाओं से जो एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। ये राम नाम का सहारा है, राम नाम बेहद प्यारा है, युवाओं के बीच जो असर है और युवाओं के बीच जो राम नाम का रस है, बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। तमाम युवा साथी अलग अलग जगह पर आप देखिए अलग अलग तराने नजर आएंगे और इनके अंदर वही जोश वही राम नाम के लिए आस्था, और यही वो दौर है। कहने को तो कलयुग है लेकिन त्रेता युग का दीदार है यहाँ पर, त्रेता युग का वो दीदार इस कलयुग में आप कर पा रहे हैं इसी सरयुग तट से। और इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है सुना रहा है, और अब ये यहाँ का क्या दृश्य है, यहाँ के लोग के दिलों में क्या है वो हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर और युवा साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे सुनेंगे कि उनके दिल में श्री राम कितना वास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इंडिया न्यूज में, क्या नाम है आपका? खुशी पांडे। श्री रामचंद्र को लेकर के दीपोत्सव को लेकर के आप क्या कहिएगा? मैं दीपोत्सव को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए। आप पहली दफा यहाँ आ रही हैं, इसके पहले भी दीपोत्सव में आ चुकी हैं? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आई हैं, आप क्या कहिएगा दीपोत्सव को लेकर? जी हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं दीपोत्सव को लेकर, और पहली बार आए हैं तो इसलिए एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई है। कहाँ से हैं आप? जी हम बस्ती से हैं। अच्छा बस्ती से हैं, बस्ती में भोजपुरी शायद बोला जाता है, अवधी बोला जाता है। एक आंटी मिली हुई थी, उन्होंने कहा कि भोजपुरी बोलते हैं, बस्ती से ही थी, लेकिन जो भी हो श्री राम तो सबको ही बोलते हैं। श्री राम एक बार बोलिए। श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहिएगा प्रभु श्री रामचंद्र को लेकर के आप? अब क्या ही कहें, प्रभु श्री राम तो पूरे इंडिया में बहुत माने जाने हैं, उसके लिए तो कुछ जय श्री राम जय श्री राम। दिल में श्री राम, जेहन में सिया राम, आस्था का भी केंद्र है, राजनीति का भी केंद्र है। एक युवा राजनीति आस्था और अध्यात्म को लेकर के क्या कहे? अब क्या ही कहें उसके बारे में, बस जय श्री राम जय श्री जय श्री राम जय श्री राम। क्या ही कहें उसके बारे में, एक ही नाम चल रहा है जय श्री राम। कोई भी सवाल कोई भी हो जवाब यहीं पर आकर के रुक जाता है, जय श्री राम। कितना अच्छा लगता है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनके जेहन में श्री राम है। राजनीति की कोई बात नहीं है, अगर राजनीति की बात भी कर लेते हैं तो कहते हैं जय श्री राम। ये चीज यहाँ युवाओं के बीच में जो है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में है। ये इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है बतला रहा है कि युवाओं के दिल में आखिर है क्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं और बारीकी से हम देखते हैं कि आखिर सरयुग तट पर आए हुए जितने भी आवाम हैं उनके जेहन में क्या चल रहा है। और यहाँ बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो आपको अलग अलग जगह सुरक्षा व्यवस्था एकदम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखाई देगी, हर जगह नजर आ जाएंगे, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी उपद्रवी तत्व यहाँ आकर उपद्रव ना मचाए, इसकी भी खास तैयारी आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर और भी युवा साथी हमारे साथ में है, इनसे भी हम पूछते हैं श्री रामचंद्र को लेकर के, दीपोत्सव को लेकर के आपके दिल में क्या है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम तो मैं दीपोत्सव में आया हूँ, यहाँ आके बहुत अच्छा दिख रहा है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा बहन जी? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो दो तीन बार और आ चुके हैं तो इस बार तो और भी सब अच्छा अच्छा है, सब इस बार और अच्छा है। तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो श्री रामचंद्र को लेकर के जो बात बता रहे हैं, एक ही नाम का रसपान कर रहे हैं, जैसे कि वो प्रभु श्री राम का नाम है। एक बार उधर आप दिखाइए कि कैसे सरयुग नदी में जो नौका विहार हो रहा है, नौका का आनंद लेते हुए आपको नजर आएंगे कुछ लोग वहाँ पे। नौका जब चलता है यहाँ पर, जब सरयुग तट पर आप बैठे होते हैं, आपका ध्यान जो है बिल्कुल आकर्षित होता चला आता है ये सरयुग तट पर। आखिरकार ये वही बात है, यही वो राम नाम रस की धारा है जो सरयुग तट में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ के जो युवा हैं उनके दिल में श्री राम नाम का, जो वृद्ध हैं उनके अंदर श्री राम के लिए आस्था, बच्चे हैं वो भी शायद श्री राम से धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ से जुड़ते जा रहे हैं। ये अनोखी छटा शायद आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। अयोध्या को आप दूर से शायद अगर देख रहे हो तो आप अयोध्या में आकर देख सकते हैं, अगर आप अयोध्या में नहीं आ पा रहे हैं तो आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ करके इंडिया न्यूज पर आकर के आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ क्या तैयारी है, लोगों के बीच में कितना उत्साह है, कितना उल्लास है, प्रभु श्री राम को लेकर के क्या सोच रहे हैं, दीपोत्सव की तैयारी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कल के लिए क्या एक्साइटमेंट है, ये सब कुछ आपको इनके चेहरों पर नजर आ रहा है, इनके लफ्जों से शायद जो बयान नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ हैप्पी रोशन, इंडिया न्यूज अयोध्या।